नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेंपल नॉलेज ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको वाराणसी में स्थित गंगा नदी के तट पर बने घाटों के बारे में संक्षेप में जानकारी देंगे। महादेव की नगरी काशी, मोक्ष का द्वार काशी, जन्म मरण से मुक्ति का द्वार काशी, अनेक विभिन्न नामों से प्रसिद्ध काशी नगरी पे स्थित है ये घाट। काशी वैसे तो एक बहुत ही पौराणिक शहर माना जाता है, किंतु लोग ये नहीं जानते कि काशी में दान एवं स्नान का बहुत महत्व है। तो अब बिना किसी विलंब के आपको ले चलते हैं इसी पावन यात्रा पे। यात्रा शुरू करने से पहले हम आप सभी से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए अन्य वीडियो ला सकें। इस घाट का नाम है चौकी घाट। इसका निर्माण कलकत्ता की रानी ने कराया था। इस घाट पर आपको नागा शिल्पकारी एवं एक प्राचीन पीपल का वृक्ष देखने को मिलेगा। इस घाट का नाम है चौसठी घाट। इसका ये नाम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे स्थित है चौसठनी माता का मंदिर, इसी कारण इसको ये नाम है। इसी के साथ स्थित है ओमकार घाट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। यह है दरभंगा घाट। इसका निर्माण दरभंगा के राज परिवार ने कराया था, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खूबसूरत चूनर का महल भी है, जिसका निर्माण भी राज परिवार ने कराया था। यह निर्माण उन्होंने इसी कारण कराया है ताकि वे गंगा का खूबसूरत दृश्य देख पाए। यह घाट है दिकपतिया घाट। इसका निर्माण बंगाल के राज परिवार ने सन 1830 में कराया था। यह घाट बहुत ही मशहूर घाट है क्योंकि इस पर स्थित है प्राचीन आश्रम, जहाँ पे आज भी साधु संत ईश्वर की उपासना करते हैं एवं रोज भजन कीर्तन करते हैं। इस घाट का नाम है मान मंदिर घाट। इसका निर्माण आमेर के राजा महाराजा मान सिंह ने सन 1600 में कराया था। इस घाट का दूसरा नाम सोमेश्वर घाट भी है, क्योंकि यहाँ पे स्थित है सोमेश्वर महादेव का लिंगम। इस घाट का नाम है राजा घाट। इसका निर्माण बाजीराव बालाजी ने सन 1720 में कराया था। इस घाट पे बंटी बबली, लागा चुनरी में दाग जैसी अन्य बॉलीवुड फिल्मों की भी शूटिंग हुई है। इस घाट का नाम है राणा महल घाट। इसका निर्माण उदयपुर के महाराणा ने कराया था। इसका पुनर्निर्माण 1970 में किया गया था। इस घाट पर आपको राजपुताना शिल्पकारी की काफ़ी अच्छी झलक देखने को मिलेगी। इस घाट का नाम है शिवालय घाट, जिसको काली घाट भी कहते हैं। इस घाट का नाम है मानसरोवर घाट। इसका निर्माण अंबेर के राजा राजा मान सिंह ने कराया था। यहीं पे स्थित है बनारस साड़ी की सबसे बड़ी फैक्ट्री, जो आप ये लाल वाली बिल्डिंग देख रहे हैं वो है। इस घाट का नाम है मुंशी घाट। इसका नाम प्रसिद्ध हिंदी राइटर प्रेमचंद के नाम पर पड़ा है। इस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। इसका निर्माण अवध के राजा ने कराया था, एवं हिंदुओं में माना जाता है कि इस घाट पर अंतिम संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ अक्सर आपको चिताएं जलती हुई नजर आएंगी। इस घाट का नाम है नारद घाट। यहाँ ऐसा माना जाता है कि कोई भी यदि शादीशुदा व्यक्ति इसमें स्नान कर ले तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा एवं परिवार टूटने की नौबत आ सकती है। इसीलिए मैं आपको ये आग्रह करूंगा कि यहाँ स्नान करने की भूल ना करें। इस घाट का नाम है पांडे घाट। यहीं पे स्थित है वाराणसी के सबसे पुराने कुश्ती के अखाड़े, एवं यहाँ का जो आप देखते हैं शिल्पकारी वो भी बहुत ही खूबसूरत है। इस घाट का नाम है अहिल्या बाई घाट।
यहाँ पे माना जाता है कि जो लोग कुंभ के मेले में स्नान नहीं कर पाते, यहाँ स्नान करने से उनके पंचकोश की यात्रा संपन्न मानी जाती है। इसी कारण इस घाट पर स्नान करने को बहुत ही पवित्र माना गया है। दशवमेध घाट माना जाता है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने आके 10 अश्वमेध घाट यज्ञ किया था, जिसके कारण इस घाट का यही नाम पड़ गया। इस घाट का नाम है राजा हरिश्चंद्र घाट। माना जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने जब अपना राज्य त्यागा था तो उन्होंने यहीं पर आके नौकरी करी थी और यहीं पे वे चिताएं जलाते थे, इसीलिए यहाँ आज भी चिताएं जलती हैं एवं ये एक बहुत ही प्राचीन घाट है और काफ़ी प्रसिद्ध घाट भी है। इस घाट का नाम है हनुमान घाट। यहीं पर स्थित है जूना अखाड़ा और माना जाता है कि यहाँ पे दान देने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। Thank you.